नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन SRJ पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाजीपुर सिटी से चलने वाली कोलकाता तक के लिए जो ट्रेन है शब्द भेदी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इस ट्रेन में कैसी सर्विसेज हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, ये ट्रेन की पंक्चुअलिटी क्या है, इसमें क्या सुविधाएं हैं, इसकी स्पीड क्या है, इसके कोचेज कैसे हैं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये ग्राउंड रियलिटी चेक वाला वीडियो है। दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसको बने रहिएगा, पूरा देखिएगा और तभी आप इस ट्रेन के बारे में सही सही नॉलेज पा सकेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने और जानने को मिलती रहें और साथ ही बेल प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिलती रहें। दोस्तों आइए अब वापस से आपके मुद्दे पर आते हैं, यानी कि वीडियो के सब्जेक्ट पर आते हैं। दोस्तों शब्द भेदी एक्सप्रेस यानी कि 22324 डाउन या फिर 22323 अप, ये ट्रेन गाजीपुर सिटी से लेकर कोलकाता के चितपुर स्टेशन के बीच में चलती है। ये ट्रेन फर्स्ट टाइम 17 नवंबर 2016 को चली थी और ये ईस्टर्न रेलवे जोन के तहत आने वाली एक साप्ताहिक ट्रेन है, यानी कि वीकली बेसिस पर चलती है। और अगर टोटल स्टेशन की बात की जाए, यानी कि गाजीपुर से लेकर कोलकाता के बीच में ये टोटल 9 स्टेशन को जोड़ती है, छूते हुए चलती है। और एक स्टेशन ऐसा भी है जहां पर इसका इंजन चेंज होता है, यानी कि रिवर्स गियर इसको लगानी पड़ती है, वो है वाराणसी कैंट जंक्शन जहां पे इसकी इंजन चेंज होती है। आज मैं इस ट्रेन में खुद सफर करूंगा और जानूंगा कि इसमें क्या सर्विसेज है, क्या फैसिलिटी है और क्या है इसकी ग्राउंड रियलिटी। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपने जो बर्थ है, यानी कि मेरी जो सीट मिली थी मुझे, वो साइड अपर बर्थ मिली थी और इस बर्थ पे मैं विराजमान हो चुका हूँ। और जैसा कि आपको बता दूं कि मैं शब्द भेदी एक्सप्रेस में बैठा हुआ हूँ जो कि गाजीपुर से चलती है और कोलकाता सिटी जो वहाँ का जो स्टेशन है वहाँ तक, चितपुर तक जाती है। और मैं बैठा हूँ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से और जहाँ पर इसका आने का जो टाइम था वो था रात के 1:15 बजे। बट आपको बता दूं कि ये ट्रेन बिफोर चल रही है और रात के 12:55 पर ही ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। एक चीज़ आपको और बता दूं कि चूँकि इसका जो जनरली जो इस चीज़ प्लेटफॉर्म पर आने का जो निर्धारित है प्लेटफॉर्म, वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, लेकिन ये ट्रेन आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई थी, जबकि बाहर जो डिस्प्ले हो रहा था स्टेशन पे वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही हो रहा था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके खड़ा भी हो गया था, बट सडनली अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ कि ये ट्रेन जो है कि शब्द भेदी एक्सप्रेस ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। तो मैं भी फटाफट प्लेटफॉर्म चेंज किया और चढ़ के आ गया सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। दोस्तों ये ट्रेन अब स्टार्ट हो गई है और आपको बता दूं दोस्तों कि आज मैं इस ट्रेन की जो ग्राउंड रियलिटी चेक है वो करूंगा और इसके लिए मैं इस ट्रेन में खुद सफ़र कर रहा हूँ और वाराणसी कैंट सर्किल में चलूँगा और सीधे चलूँगा कोलकाता चितपुर रेलवे स्टेशन तक। दोस्तों आपको बता दो कि मैं इसमें ये सारी चीज़ें देखूँगा कि क्या क्या सुख सुविधाएँ इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। इसके लिए मैं ये देखूँगा कि कौन कौन से स्टेशन पर ये रुक रही है और इसकी जो टाइमिंग है वो कहाँ किस स्टेशन पर क्या है और कितने बजे तक ये पहुँच रही है। मैं भी देखूँगा कोलकाता जो कि सुबह करीब ये दोपहर हो जाएगा, कल 1:15 उतरेगी और जो कि करीब करीब 12 घंटे एग्जैक्टली उसका टाइम है, रात के 1:15 से लेकर के 1:15 दिन में पहुंचाने का टाइम है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है और रियलिटी में आपको दिखाऊंगा इस ट्रेन के बारे में। आइए दोस्तों मानचित्र की सहायता से समझते हैं इसके जो ड्यूरेशन है, इसका रूट लाइन है वो कैसा है। देख सकते हैं दोस्तों ये भारत का मैप है और ये गाजीपुर और बनारस से होते हुए किस तरीके से, किस लाइन से ये कोलकाता तक पहुंचती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रेन स्पीड और स्टेशंस की। जैसा देख सकते हैं गाजीपुर, बनारस, मुगलसराय, गया, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान और उसके बाद आता है कोलकाता। दोस्तों ये 9 स्टेशंस हैं, यही इनके साथ ये ट्रेन होते हुए गुजरती है। और दोस्तों जैसा कि आप स्पीड देख सकते हैं ऊपर जो मीटर वो शो कर रहा है 110 111, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि 100 से ऊपर 110 से ऊपर की ये कि इस ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है और ये बहुत अच्छी ट्रेन है। अगर आप देखा जाए तो 12 घंटे में बनारस से लेकर के कोलकाता तक पहुंचाने वाली बहुत ही कम ट्रेनें हैं, अगर राजधानी को छोड़ दें तो इससे अच्छी ट्रेन इस बनारस से लेकर कोलकाता के बीच में और कोई नहीं है। यानी कि ये ट्रेन अगर टाइमिंग, स्टेशन, पंक्चुअलिटी की बात की जाए, सफ़र जर्नी की बात की जाए तो ये बहुत अच्छी ट्रेन है। ये अलग बात है कि इसकी जो साफ सुविधाएं हैं वो सामान्य हैं।
अब दोस्तों देखते हैं कि देखिए जैसे कि दिखा रहा हूँ मैं आपको कि रात का समय बीत चुका है, अब ये सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का समय है, अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं, मिडिल बर्थ भी अभी खुला हुआ है और सामने जो रेलवे कैटरिंग है स्टेशन आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग लोगों से खाना पूछा जा रहा है कि वो आगे क्या खाएंगे, क्या वो खाने में लेना पसंद करेंगे, उसके लिए ऑर्डर लिया जा रहा है, एक एक बंदे आके ले रहे हैं जो कि आगे आने वाले स्टेशन से इनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। और एक साइड में टीटी भी खड़े हैं जो कि टिकट चेक कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ट्रेन रात बीत चुकी है, लोग सो चुके हैं, अब धीरे धीरे सुबह हो चुकी है और लोग जाग रहे हैं, जागना स्टार्ट कर दिया है। और ये आप सफ़र में देख सकते हैं दोस्तों, बीच बीच में लोग आ रहे हैं जो कि सर्विसेज के नाम पर कई सारी चीज़ें मिल रही हैं, पेपर मिल रहा है, न्यूज़पेपर अगर किसी को सुबह पढ़ना है तो चाय की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, चाय वाले भी आ रहे हैं, दोनों तरीके के चाय वाले आ रहे हैं दोस्तों, ये IRCTC के यानी कि जो इनके ऑन रोल टेंडर्ड हैं वो, और उसके अलावा जो कि नॉर्मल लोकल स्टेशन से जो घुस रहे हैं डिब्बे में वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और रही बात सफाई की, दोस्तों देख सकते हैं आप जैसा कि सफाई की बात करूँ तो सफाई भी हो रही है पूरी की पूरी, जो बनारस से लेकर के कोलकाता के बीच में मैंने देखा कि दो बार सफाई हुई है, ये दो बार रेलवे के जो स्टाफ आते हैं वो यहाँ पे कोचेस की सफाई करते हैं, बीच बीच में जितने कूड़े डब्बे होते हैं वो उसको हटाते बिनते साफ करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों लोकल टेंडर्स भी आ रहे हैं, वेंडर जो कि यहाँ पर हैं, खाना दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, पानी है, बिस्किट्स है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। चूँकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है तो जो सारे बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्धमान जंक्शन है, ये कोलकाता के पहले पड़ता है, जो वेस्ट बंगाल का एक बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है, वहाँ पर अभी ट्रेन रुकी हुई है और यहीं पर से फटाफट जो खाने पीने के जो सामान वाले जो लोकल वेंडर्स हैं वो घुस गए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, अपनी बर्थ पे नीचे आ गया हूँ, चूँकि सुबह हो चुकी है, दिन हो चुका है और ये ट्रेन थोड़ी देर में पहुँच भी जाएगी अपने डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य तक। दोस्तों चलते हैं बाहर, बाहर का भी आपको सीन दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन का जो है वर्धमान जंक्शन बाहर से कैसा है, बाहर से ये ट्रेन कैसी है, क्या दिख रहा है वो आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं वर्धमान जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है स्टेशन का, उसके सामने ये ट्रेन खड़ी है और बाहर सामने काफ़ी चीज़ें भी अवेलेबल हैं वो दिख रही हैं। अब चलते हैं दोस्तों अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक के लिए स्टॉपेज नहीं है और ट्रेन आगे ये चल भी दिया। दोस्तों इस ट्रेन का जो रूट है ये काफ़ी कॉमन रूट है, जो कि दिल्ली से लेकर के कोलकाता हावड़ा तक का रूट है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही ट्रैफिक, मतलब हाई डेंसिटी वाला ये ट्रैफिक का ये ट्रैक है, ये जोन है, जो कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की तमाम ट्रेनें इसी रूट से होते हुए चलती हैं। एक बनारस का रूट है, एक मुगलसराय का रूट है, जो कि बनारस से इलाहाबाद होते हुए जाता है कानपुर वाया दिल्ली, और एक ये बनारस से होते हुए लखनऊ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेन मेरी चल रही है वर्धमान से आगे और ये दोबारा से सफाई कर्मी आके कोचेस की सफाई कर रहे हैं, जितने भी खाली प्लेट्स डब्बे ग्लासेस थे उनको हटाया जा रहा है, सफाई हो रही है। दोस्तों अब ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मनमोहक दृश्य है, ये पुल है स्वामी विवेकानंद के नाम पर, विवेकानंद सेतु, नीचे हुगली नदी है। दोस्तों आगे एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य भी दिखने वाला है, सामने दक्षिणेश्वर टेंपल का भी दर्शन आपको यहीं पर होगा, माँ काली का जो बहुत ही खास मंदिर है, देख सकते हैं दोस्तों यही है वो मंदिर, यही है मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर, जो कि बहुत खास है पूरे कोलकाता के लिए। दोस्तों इस विवेकानंद सेतु के बारे में मेरी अलग से एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसके बारे में ज़्यादा देखना चाहें तो बहुत ही अच्छा वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं इस पुल के बारे में भी। दोस्तों देख सकते हैं कि इस पुल के बाद आता है दक्षिणेश्वर स्टेशन, वो अभी जस्ट आपको सामने बीतता हुआ दिखेगा, और इसके जस्ट बाद आने वाला है दमदम, यानी कि दमदम वो एरिया जो कि जहां पर एयरपोर्ट भी है कोलकाता का, और वही उसी के बगल का ये स्टेशन है, और यहां से सिटी भी आपको दिख जाएगी जो कि कोलकाता में आप इंटर कर चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी चितूर कोलकाता रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ, और ये ट्रेन अपने टाइम जो कि 1:15 बजे दिन का था उसको करीब करीब आधे घंटे लेट, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि 1:35 अभी हो रहा है, मतलब 25 मिनट करीब लेट हो गई, और ये लेट देखा जाए तो जानबूझ के हुआ है, धीरे 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 चल रही थी, और कोलकाता में एंट्री करने के बाद, जैसे बॉर्डर में एंट्री करने के बाद से ट्रेन स्लो हो गई थी, इस वजह से लेट हुआ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टेशन पर, ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आ चुकी है, यानी कि अपने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन पर अपने पहुंच चुकी है, और अब मैं भी प्लेटफॉर्म पर उतर के ट्रेन को छोड़ चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेशन से बाहर तक का सफ़र मैं आपको पूरा दिखाऊँगा दोस्तों, लेकिन अभी जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत ज़्यादा है,
और सामने स्लेटर है, स्लेटर पे पूरी भीड़ लगी हुई है। मैं तब तक एक राउंड आगे से करके आपको दूसरे कोचेज यानी कि दूसरी बोगी का भी एक छोटा सा संक्षिप्त दृश्य दिखाता हूँ। आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा, एक बोगी तो आपने देखा है, वहाँ का बाथरूम वगैरह सब देखा है, डिब्बे कोचेज बर्थ सब देखे हैं। अब मैं आपको दूसरे बर्थ में भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ ये भी जानने की कि बाकी के बर्थ में क्या सीन है, कैसी स्वच्छता है। दोस्तों देख सकते हैं सारे बर्थ अभी भी करीब करीब साफ़ सुथरे हैं। ये ट्रेन देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं, ना सही, लेकिन ये ख़राब ट्रेन भी इसको नहीं कहा जा सकता, ये एवरेज ट्रेन है। और देख सकते हैं आपको मैं बाथरूम का दृश्य दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर टॉयलेट रूम है, बेसिन और ये जो नीचे की जो सीट है वो भी आपको दिख रही होगी। स्टेशन ट्रेन शुरू होने के पहले और स्टेशन पे पहुंचने के बाद यानी कि स्टेशन पे पहुंचने के बाद भी आपको दोनों आपको दृश्य दिखाया हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों स्टेशन के पहुंचने के बाद भी ट्रेन की जो टॉयलेट रूम है इवन वो अभी भी साफ थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टेशन के ऊपर चलते हैं, स्लेटर्स लगे हुए हैं, इसके ज़रिए हम ऊपर चढ़ेंगे ताकि ऊपर चढ़ने में भी आसानी हो, जैसा कि जिस सर्विस और फैसिलिटी के लिए इसको बनाया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कोलकाता के जो स्टेशन है चितपुर का उसके बाहर चलेंगे, वहाँ तक का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि बाहर तक कोलकाता स्टेशन के क्या सीन हैं और कैसी व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये कोलकाता का प्लेटफॉर्म है, नीचे ट्रैक्स दिख रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, सारा कुछ यहाँ से आपको दृश्य दिख रहा होगा। आपके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ और ये अब मैं चल रहा हूँ बाहर की तरफ। कुत्ते भी नज़र आ रहे हैं, इंसान भी नज़र आ रहे हैं और लोग प्रतीक्षा भी कर रहे हैं अपने अपने ट्रेन या फिर जिस भी समय के लिए वेटिंग कर रहे हैं। दोस्तों बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और अब मैं स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। एक बात खास आपने नोट किया होगा, स्टेशन परिसर में कहीं भी मुझे कोई टीटी नहीं दिखा। सिर्फ एक बार मेरा टिकट चेक हुआ है, वो भी ट्रेन में सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग। और अब आप देख सकते हैं कोलकाता स्टेशन पे मैं आ चुका हूँ, स्टेशन के बाहर भी आ चुका हूँ, अभी तक दोबारा कहीं कोई किसी ने टिकट चेक नहीं किया। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी जो कि बनारस से लेकर कोलकाता की थी और जो कि आधी रात यानी कि करीब 1 बजे रात से लेकर दूसरे दिन 1 बजे तक का ये जर्नी था और अब मैं अपने मंजिल पर पहुँच चुका हूँ यानी कि कलकत्ता आ गया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है इस वीडियो में, मैं आपको बता दूँ फिर से कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है ये ट्रेन कैसे चल रही है, इसमें क्या सर्विसेज है, इसकी क्या टाइमिंग पंचुअलिटी है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रही है, किस किस स्टेशन पे क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और क्या है इस ट्रेन की ग्राउंड रियलिटी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ अलग इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको विषय में बनाकर बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।